पति के दीर्घायु की कामना लिए सुहागिनों ने बुधवार को करवा चौथ की पूजा अर्चना पूरे उत्साह के साथ की। हालांकि कोरोना को देखते हुए सुहागिनों ने इस साल करवा चौथ की पूजा शहर के दो स्थानों में किया था। शहर के कचहरी रोड और पंजाबी मोहल्ला में सुहागिने जुटी और पूजा अर्चना किया। यहां पूजा अर्चना को लेकर सुहागिनों में उत्साह भी दिखा। पर्व की मान्यता के अनुसार 16 श्रृंगार कर सुहागिनों ने माता करवा की उपासना की। बताया गया कि अहले सुबह उठकर महिलाओं ने सास के हाथों सरगई ली और निर्जला उपवास रखकर दिन में पूजा की तैयारी करते हुए पूजा की थाल सजाई। शाम ढलते ही सुहागिनों की टोली पूजन स्थल पर पहुंची और विधि विधान से पूजा उपासना किया। यहां करवा चौथ की पूजा में जसमीत सलूजा, सोनिया वाधवा, ईशा वाधवा, शालू सलूजा, आस्था सलूजा, हरप्रीत सलूजा, अमिता छाबड़ा, केतकी सलूजा, शिप्रा सलूजा, जसबीर सलूजा समेत कई सुहागिन महिलाएं शामिल हुई। विधि विधान तो यही है कि सुबह 4 बजे उठ के हम लोग नहा धो के सरगी करते हैं जो हमारी सास हमें देती हैं, और उसमें फल मीठा जो भी हो देते हैं साथ में, और बाकी कोई मना ही नहीं है, जो इच्छा हो थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। फल और मीठा मेन होता है इसमें, और बाकी उसके बाद सारा दिन हम उपवास में रहते हैं। और अभी पूजा करने के बाद शाम को चांद निकलने के बाद अर्घ दे के कुछ डालते हैं। पूजा किनका होता है इसका? पूजा किनका होता है? पूजा करवा माता का होता है, और जिसका हम स्वरूप बना के उनकी पूजा करते हैं, और उसके बाद थाली फेरते हैं, थाली घुमाते हैं। उसके बाद मेन इसका प्रोसेस यही है, थाली घुमा के पूजा करते हैं, फिर उसके बाद घर जाके चांद के निकलने का इंतजार करते हैं। करवा चौथ का व्रत सभी सुहागन औरत रखती हैं, और हम लोग सुबह में उठकर सरगी लेते हैं कि सारा दिन निर्जल व्रत रखते हैं, और शाम को जब चांद निकलता है तो चांद देखकर अर्घ देते हैं, और पति से हम लोग पति के हाथों से जल पीते हैं और व्रत को पूर्ण करते हैं। हम लोग करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए करते हैं। सास सुबह में हम लोग को सरगई देती है, और हम लोग शाम को चांद देके ये व्रत तोड़ते हैं।